तो देखिए गाइस, सिंपल सा मेकअप लुक मैंने किया है और कैसा लग रहा है बताइएगा मुझे। और ये मेरा नया टॉप कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा। फ्रॉक फ्रॉक है ये, पर मैंने नीचे लोअर पहन लिया है, ताकि प्लाजो पहना है, लोअर नहीं पहना है, प्लाजो पहना है तो अच्छा दिखे। आज फर्स्ट टाइम पहना है तो ठीक है, मेकअप कंप्लीट हो गया है, अब बनाएंगे हम अपनी चाय। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए चाय पीने। तो अभी मैंने एक व्लॉग को एंड किया और नेक्स्ट व्लॉग चालू किया है। यहाँ पे मेरी चाय बन रही है और चाय बन चुकी है और मैंने सोचा आफ्टरनून के बाद वाला व्लॉग फिर से स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मेरा रेजोल्यूशन है जो मुझे पूरा करना है। बस जाते हुए साल को सलाम और आते हुए साल को भी सलाम। चाय मैंने छान ली है मेरी। और मैंने ठान लिया है बैड मेमोरीज की बातें नहीं करेंगे गाइस आज के बाद। बैड मेमोरीज को जाने देंगे और न्यू मेमोरीज को वेलकम करेंगे। तो चलिए चाय लेके चलते हैं और एंजॉय करते हैं अपनी चाय गर्मा गर्म। तो मैंने सोचा कि व्लॉग को एंड तो कर दिया है, लाइव भी चली गई थी, तो अब नया व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और नया व्लॉग में नई बातें है ना, तो आपको दूर से दिखा देती हूँ मेरा ड्रेस कैसा दिख रहा है। ओके, आपको दिखाती हूँ मेरा ड्रेस कैसा दिख रहा है। देखिए ये पूरा वन पीस फ्रॉक है, लेकिन मैंने पहना है इसको नीचे प्लाजो के साथ, क्योंकि ठंडी बहुत है। कैसे लग रहा है गाइस, लंबा जाती हूँ, कोई दिखाने के लिए नहीं, इस तरह से है ये ड्रेस पूरा पूरा वन पीस है। फ्रॉक पहन लो, नीचे शूज पहन लो ठंडी के, तो काम पूरा हो जाता है। लेकिन आप पार्लर पे तो ऐसा सब नहीं कर सकती ना, इसलिए मैं इस तरह से इसको किया है। एक्चुअल में मैं बहुत पतली हो गई हूँ, लेकिन अभी इसमें ये ड्रेस में मैं लग रही हूँ मोटी है ना। तो गाइस ये मैं हूँ अपने पार्लर में, और पार्लर में आपको सारी ट्रीटमेंट बहुत सस्ते में करके मिलेगी। और ज़रूर से एक बार विजिट कीजिए मेरे पार्लर में आप लोग, और आप चाहोगे तो हम साथ में मिलके चाय भी पियेंगे। और सच में रिबॉन्डिंग वगैरह मैं बहुत चीप रेट में कर देती हूँ। एक बार आइए, एक बार मिलिए, बोलते हैं ना अमिताभ बच्चन जी, एक बार आओ हमारे गुजरात में। तो ऐसे मैं भी बोल रही हूँ, एक बार आओ मेरे पार्लर में, ठंडी में गर्मा गर्म चाय का मजा लेती हूँ और सारी ट्रीटमेंट मैं आपको बहुत अच्छे से करके देती हूँ, और बहुत चीप रेट चल रहा है मेरे पार्लर में। तो जरूर से विजिट कीजिएगा और चाय पीती हूँ, उसके बाद मिलूंगी। तो टनना, हम लोग का आज का ब्रेकफास्ट ये है तंदूरी पनीर, और पनीर के पकोड़े हैं, और ये काय की, हाँ वटाने का परोठा है। तो चलिए आ जाइए, आप लोग भी नाश्ता करते हैं हमारे साथ, हम लोग भी नाश्ता कर लेते हैं। तीन चार जन में इतना नाश्ता तो बहुत कम पड़ने वाला है, गर्मा गर्म चाय के साथ नाश्ता। तो गाइस चलिए ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स की शुरुआत करते हैं आज के दिन में। कल मैंने आपको दिखाया एक सिंपल सा मेकअप, और आज मेरा है क्लीन अप दिखाने का इरादा। तो चलिए आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। अभी बैठे बैठे मैंने बहुत सारे, मतलब कल जो वीडियो शूट किए थे ना, वो गलती से मेरे से डिलीट कर हो गए। कोई नहीं गाइस, वीडियो तो फिर से बन जाएंगे। तो चलिए हम पहले क्लीन अप सीखते हैं। पूरा फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, और मैं दो तीन बार बाहर आ जा करके भी आई हूँ, तो पूरा फेस डर्ट से भरा हुआ है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा क्लीनअप कैसे करते हैं वो बताती हूँ।
तो गाइज ये है मेरा स्टीम मशीन जो इस तरह से रहता है, आगे पीछे से दिखा देती हूँ। इसका ऐसा रहता है, पर इसको हमने खोल देना है। अब इसमें पानी भरेंगे। अंदाज से एक गिलास जितना पानी इसमें डाला है मैंने। इसको बंद कर देते हैं और इसके बाद इसको प्लग पे लगा के चालू कर देंगे। उसके बाद अपना क्लीनअप होता रहेगा। तो क्लीनअप पे लगने वाला सामान है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास कॉटन है थोड़ा सा, देखिए नैपकिन है, ये मेरे पास ब्लैकबेरी का ऑल क्लियर ऑयल क्लियर फेस वॉश है, क्लिनजिंग मिल्क है डाबर गुलाबरी का, रोज वाटर है और ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है गाइस, ये बॉडी केयर का सैंडल फेस पैक है और मुझे लगेगा ब्लैकहेड्स रिमूवर। और ये मेरा स्टीम रेडी हो रहा है धीरे धीरे, तो चलिए क्लीन अप स्टार्ट करते हैं। और गाइस ये है ब्लैकहेड्स रिमूवर, इसके बिना क्लीन अप अधूरा है। तो गाइस सबसे पहले हम क्लिनजिंग मिल्क से फेस को साफ कर लेंगे और ये मैं ना क्लास के स्टूडेंट को सिखा भी रही हूँ पर वो वीडियो में आना नहीं चाहती, तो उसको मैंने साइड पे हटा दिया है। और मैं तो एवरग्रीन आपके सामने वीडियो में आती ही रहती हूँ। तो क्लिनजिंग मिल्क लिया है मैंने, सबसे पहले आपके हाथ एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए और इसको अपसाइड डायरेक्शन में आपने पूरा रगा लेना है। इस बीच में मेरा स्टीम मशीन भी रेडी हो गया है, मेरा कॉटन खत्म हो गया है, लाना मैं भूल गई, अभी मेडिकल स्टोर खुलेगा कि मैं ले लूंगी। क्लिनजिंग मिल्क से साफ करने से ना सारे पोर्स के अंदर का डर्ट निकल जाता है, देखिए कितना गंदा, पूरा गंदगी निकल गया। इसके बाद हम करेंगे फेस वॉश। आप बोलोगे दो दो बार क्यों, क्लिनजिंग मिल्क से भी साफ किया फेस वॉश से भी क्यों, फेस वॉश से स्किन एकदम क्लियर हो जाती है, एकदम सारे पोर्स जो रहते हैं अपनी स्किन के लेयर्स रहते हैं वहां तक आपकी स्किन साफ हो जाती है। क्लीन अप करना है तो आपको इस तरह से पूरी स्किन को क्लीन करना है। तो चलिए मैं पहले क्लीन करती हूँ फेस को और ये फेस वॉश साफ करके फिर आपको मिलती हूँ। तो गाइस मैंने फेस एकदम अच्छे से क्लीन कर लिया है और हाथ भी क्लीन कर लिए हैं और देखिए फेस मुझे भी एकदम क्लीन क्लीन लग रहा है और कॉटन में बहुत डस्ट निकला है, बहुत गंदा निकला है। और ये ना मेरे पास ना जब रिव्यू करने के लिए आए थे ना सारे ये फेस वॉश, क्या मेरा फोकस, तो ये फेस वॉश ना एक साथ मुझे एक ही दिन में ना 8 फेस वॉश के रिव्यूज करने थे और उस दिन ना फेस वॉश कर करके ना मेरी स्किन ऐसी हो गई थी ना, मतलब मैं तो अभी शिमला जा रही थी, तो जब मैं शिमला गई ना तो मम्मी मतलब पहले अतिथि के पास पहुंची तो अतिथि बोलती मम्मी आप इतना फेयर कैसे हो गई हो, मैंने बोला 8 फेस वॉश का मैंने रिव्यू किया है एक साथ, तो मेरा फेस ने एकदम ग्लो करने लगा। अभी भी देखिए मेरा फेस एकदम क्लीन हो गया, अच्छा लग रहा है, क्लीन अप करने से पहले ही इतना क्लीन हो गया है।
फेस वॉश करने के बाद अगर आपके पास स्क्रब हो तो आप स्क्रब यूज कीजिए, अगर आपके पास ना हो, घर में आपके पास रवा हो या फिर चावल का आटा हो उससे भी आप स्क्रबिंग कर सकते हो, आप घर में की कोई भी चीज लेके स्क्रबिंग कर सकते हो। तो मेरे पास तो है फेस स्क्रब, तो मैं स्क्रब यूज करूंगी। ये स्क्रब भी मेरे पास ब्यूटी का है, और अगर आपके आप घर पे हो और घर पे आपके हल्दी हो तो आप इसमें हल्दी मिक्स करके भी कर सकते हो। तो चलिए स्क्रबिंग कर लेते फेस को। क्लीन अप आप हफ्ते में एक बार कर सकते हो, दो तीन दिन में भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपकी स्किन आपको अलाउ करती है तो, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरी स्किन बहुत डैमेज लग रही है तो कर सकते हो, पर हाँ वीकली एक बार आपको क्लीन अप करना चाहिए। स्क्रबिंग होने के बाद स्क्रब को रिमूव कर दीजिए, और आपने ये डाबर का रोज वाटर लगाना है, पर उसके पहले आपने स्टीम लेनी है। आ गई स्टीम। आपके पास जो भी स्टीम मशीन हो, सादा वाला हो तो भी चलेगा, मेरे पास ऐसा है, तो ये इसमें जरा स्ट्रॉन्गली अच्छे से स्टीम आती है इसलिए मैं इससे स्टीम लूंगी। मैं स्टीम ले लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। गाइस चलिए अब पहले अच्छे से स्टीम लेनी है ताकि नाकों के सारे ब्लैकहेड्स सब निकल जाए। आपने खूब अच्छे से लेना है गाइस, मैं तो बार बार वीडियो को कट कर दे रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बंद कर बेटा। जी हाँ, स्टीम लेने के बाद मैंने पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया है, और समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया है। ब्लैकहेड्स रिमूवर को पहले से स्टरिलाइज कर लिया करो, मैंने स्टरिलाइज करके रखा है। ओके, तो इसके ब्लैकहेड्स इस तरह से निकालेंगे हम। मैं बिल्कुल अपने फेस पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ और मेरे पिगमेंटेशन बढ़ रहे हैं। एक्चुअल में गाइस मेरी एज ज्यादा है, लेकिन मैं ब्यूटिशियन हूँ इसलिए मैं कुछ भी करती रहती हूँ, इसलिए मेरी एज इतनी भी फेस पे दिखती नहीं है। आप लोग गेस करो मेरी एज कितनी है। चलिए, जो सही जवाब देगा उसे गिफ्ट मिलेगा। ओके, तो ये होने के बाद अब हम लगाएंगे डाबर का गुलाबरी रोज वाटर। या तो आप हाथ में लेके टैप कर दीजिए या कॉटन में लेके टैप कर दीजिए। रोज वाटर ना आपको फ्रेशनेस देगा पूरा, और स्किन को टाइट करने में भी हेल्प करेगा। इसके बाद हमें लगाना है एस्ट्रिजेंट। ओके, लैक्मे का एस्ट्रिजेंट भी बहुत अच्छा आता है, महंगा रहता है, ये वाला भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। एस्ट्रिजेंट इसलिए लगाना है कि आपने पूरा फेस को साफ किया है तो कोई भी पिंपल्स या ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, इसलिए आपने पूरे फेस पे एस्ट्रिजेंट लगाना है। उसके बाद ये लास्ट स्टेप है, आपने फेस पैक लगाना है। मेरा है बॉडी केयर का फेस पैक, नया ही ओपन कर रही हूँ मैं। नहीं, नया नहीं, मैंने
देखा हुआ है, चेक किया हुआ है। ओके, तो जब भी फेस पैक भी लगाओ, आप अपर साइड पे लगाओ पूरा फेस पे अच्छे से। तो मैंने फेस पैक लगा लिया है और इसके बाद मैं आई मास्क लगाऊंगी। तो ये है मेरा आई मास्क जिसे मैं अप्लाई करूंगी। और आई मास्क को ना आपने फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में नहीं रखना है, आपको इजीली मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। तो फेस पैक सूखने को आया है, अब मैं इसको वॉश करके आपको मिलती हूँ। तो फेस वॉश कर चुकी हूँ मैं। फेस क्लीन करने के बाद आपको आइस से मसाज करना है फेस पे ताकि स्किन टाइट हो जाए। आप घर पे आइस क्यूब ना रोज वाटर वाले भी बना सकते हो और काकड़ी का रस से भी आइस क्यूब बना सकते हो सारा टैनिंग निकालने के लिए, या तो टमाटर के रस से बनाइए, जब फुर्सत मिले तब आप उसको अप्लाई करते रहिए। ठंडी में ठंडा ठंडा कूल कूल, बंद कर बेटा। तो मेरा क्लीनअप तो हो गया है और देखिए स्किन कितनी क्लीन हो गई है ना। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कल ऑनलाइन क्लास में हम कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए बाय, लव यू।